नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर दिन कोरोना के मामले की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच कई राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई अन्य पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बीते दिन में भी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड पर मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई और हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। वापस जाने वाले मजदूरों का कहना है कि जैसे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम पहले से ही अपने घर चले जाएं। ऐसे में अगर आप भी ट्रेन से घर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लेटफॉर्म को लेकर रेलवे का नया फैसला आप जान लीजिए। रेलवे स्टेशनों में कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्टेशनों में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले प्रत्येक यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की संख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर रेलवे ने वाराणसी मंडल के सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने दी। रेलवे जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि वाराणसी मंडल के प्रमुख स्टेशनों की सीमाएं सील कर दी गई हैं और स्टेशनों में केवल एकल प्रवेश द्वार से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। स्टेशनों में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से स्टेशनों पर बाहरी राज्य से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है और संदिग्ध यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच भी कराई जा रही है। दिल्ली में रात्रि कर्फ्यू लगाए जाने के एक दिन बाद बुधवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को की लंबी कतारों में देखा गया। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि शादी और फसल की कटाई के मौसम के कारण इस तरह की भीड़ भाड़ साल के इस समय आमतौर पर देखी जाती है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक राष्ट्रीय राजधानी में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ी नहीं है, केवल आरक्षित टिकट वाले यात्री आ रहे हैं। हमें कुछ समय के अंतराल पर ऐसी भीड़ देखने को मिलती है। इस चुनौती भरे माहौल में किसी भी तरह की अटकलों वाली खबरों पर कृपया ध्यान न दें और कृपया प्रकाशित भी ना करें। एक गलत खबर अराजकता पैदा कर सकती है। रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक रूप से कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करने की घोषणा की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस उपायुक्त हरेंद्र के सिंह कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। वह कोविड-19 से बचने के नियमों के प्रति सचेत रहने और कड़ाई से उनका पालन करने की घोषणा किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मास्क भी दिए जा रहे हैं और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।